आज की वीडियो में हम जानेंगे पांच ऐसे तरीके जिनका यूज करके आप अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। ये सभी पांच तरीके बॉब प्रॉक्टर द्वारा बताए गए हैं। सबसे पहला तरीका है 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को आपकी ओर आकर्षित करता है। दूसरा तरीका है हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुनना। हाई वाइब्रेशन म्यूजिक सुनने से आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ती है। ऐसा आपको सुबह उठने के बाद करना चाहिए। आप YouTube पर सर्च करके कई प्रकार के हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुन सकते हैं। तीसरा है वॉकिंग इन नेचर। प्रकृति के साथ समय बिताकर आप अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताने से आपको ताजी हवा मिलती है जो आपके स्ट्रेस को कम करती है। ऐसा करने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। चौथा स्टेप है किसी भी अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना। हमारा शरीर 50 मेगावाट फ्रिक्वेंसी से लेकर 700 मेगावाट फ्रिक्वेंसी तक वाइब्रेट करता है और जब हम किसी अच्छी चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी बॉडी की वाइब्रेशन 540 मेगावाट फ्रिक्वेंसी तक बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज करती है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और हम हर काम को पॉजिटिव एनर्जी से करने लगते हैं, इसलिए हमें हर अच्छे काम को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। पांचवा और आखिरी स्टेप है हर रोज उन तीन लोगों के बारे में अच्छा सोचना जो आपको परेशान करते हैं। गुस्सा, नाराजगी, चिड़चिड़ापन, खुद को किसी से कंपेयर करना, ये सब लो वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स होती हैं। प्यार करना, दयालु होना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, माफ़ करना, ये सब हाई वाइब्रेशंस वाली फीलिंग्स होती हैं। आपकी बॉडी एक मैग्नेट की तरह होती है। जिस तरह की फीलिंग्स आपकी होती हैं आप उसी तरह की वाइब्रेशन को आकर्षित करते हैं। तो ये थे पांच पावरफुल स्टेप्स जिनका यूज करके आप अपनी बॉडी को हाई वाइब्रेशन एनर्जी तक ले जा सकते हैं और ब्रह्मांड से वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो अ लिटिल हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मीट यू सून विद द न्यू वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।